नमस्कार दोस्तों, वैसे तो भोजन में क्या खाएं और क्या ना खाएं यह तो लोगों का निजी और व्यक्तिगत फैसला होता है, लेकिन यहाँ हिंदू धर्म में कुछ लोग मांसाहार को निषेध मानते हैं, वहीं कुछ लोग मांसाहार को मान्यता देते दिखाई देते हैं। आज भी हमें कई जगह देखने को मिलता है कि एक ओर मांसाहार ग्रहण करने वाले शाकाहारियों को घास फूस खाने वाला बताते हैं, वहीं दूसरी ओर शाकाहारी मांसाहारियों को जानवरों पर अत्याचार करने वाला मानते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी बात पर आंख बंद करके मान लेना बुद्धिमान लोगों के लक्षण बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आइए जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में मांसाहार और शाकाहार में से कौन सा भोजन सबसे उत्तम माना गया। दोस्तों, हिंदू धर्म में मांस खाना मना है या नहीं, इस संबंध में कई लोगों के मन में भ्रम है। इसका कारण कुछ लोगों के मन में वेदों के विषय में बैठी शंका है, जिसकी वजह से वे समझते हैं कि वेदों में पशु बलि, मांसाहार आदि का विधान है। लेकिन मित्रों, यह अर्ध सत्य से ज्यादा कुछ भी नहीं है। वेद और पुराण हिंदू धर्म के मुख्य धर्म ग्रंथ हैं। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार भगवद गीता है। वेदों में पशु हत्या पाप मानी गई है और मांस खाने के संबंध में स्पष्ट मना किया गया है। इतना ही नहीं, वेदों में तो कुछ पशुओं के मांस के संबंध में सख्त मना किया गया है। यजुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्यों को परमात्मा की सभी रचनाओं को अपनी आत्मा के बराबर मानना चाहिए, अर्थात जैसे वो अपना हित चाहते हैं वैसे ही दूसरों का करें। अथर्ववेद में कहा गया है कि हे मनुष्य, तुम चावल खाओ, जौ खाओ, उड़द खाओ और तिल खाओ, तुम्हारे लिए यही रमणीय भोज्य पदार्थ का भाग है, तुम किसी भी नर और मादा की हिंसा कभी मत करो। वहीं ऋग्वेद में बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उसकी रक्षा में ही समाज की उन्नति है। मनुष्य को उनके समान सभी चार पैर वाले पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। गीता में मांस खाने या नहीं खाने के उल्लेख की बजाय अन्न को तीन श्रेणियों में बांटा गया है, सत्व, रज और तम। गीता के अनुसार अन्न से ही मन और विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन ग्रहण करता है उसकी सोच भी सात्विक रहती है। मांस और मदिरा जैसी चीजें तामसिक भोजन कहलाती हैं। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर कुकर्म, रोगी, दुखी और आलसी होते हैं। गीता के अनुसार सात्विक आहार आयु को बढ़ाने वाला, मन को शुद्ध करने वाला, बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है। जब यही शाकाहारी आहार अत्यधिक खट्टा, नमकीन या फिर अत्यधिक तेल मसाले वाला होता है तो वह राजसी भोग बन जाते हैं। तब यह राजसी आहार दुख, शोक और रोग उत्पन्न करता है। ठीक इसी तरह गरुड़ पुराण में भी श्री कृष्ण से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण की इस कथा के अनुसार बचपन में एक दिन श्री कृष्ण यमुना किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय एक हिरण दौड़ता हुआ आया और उनके पीछे जाकर छुप गया। वो हिरण बहुत ही घबराया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्यों छुप रहे हो? उसका पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा और बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। तब वह शिकारी क्रोध में आकर बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मैं पकाकर खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है, क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप, क्या तुम धन को नहीं जानते? तब वह शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना शिक्षित तो नहीं कि जान सकूं कि मांसाहार पुण्य है या पाप, पर मैं यह जानता हूं कि जीव को मार कर खाना, इसमें कोई हर्ज नहीं। मांसाहार से तो एक तो वह जीव को जीवन बंधन से मुक्त कर रहा है, फिर क्यों मांसाहार से मना किया जाता है? मांसाहार होने को क्यों नहीं कहा जाता? वैसे भी मैं इसको मारकर नीच योनि से मुक्ति दिलाकर पुण्य ही कमा रहा हूँ, फिर इस पर पाबंदी क्यों? इसे तो प्रोत्साहित करना चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है कि जीव हत्या तो शास्त्रों में भी बताया गया है, राजा लोग शिकार किया करते थे। ऐसे तमाम तर्क देते हुए श्री कृष्ण से पूछा कि फिर क्यों ये मांस खाना गलत है और पाप की श्रेणी में आता है, आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या पाप? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण अत्यधिक तामसिक हो गई है और उसने सोचने और समझने की बुद्धि भी खो दी है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, इस अंतहीन विषय पर पहले मैं कोई राय नहीं दूंगा, मेरी इस छोटी सी कथा सुनने के बाद तुम ही उत्तर देना कि मांसाहार पुण्य है या पाप, तुम्हें मांस खाना है या नहीं। वह शिकारी सोचने लगा कि इसमें मेरा तो कोई घाटा नहीं है, इस कथा को मैं सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इसका मांस भी मिल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कथा आरंभ की। एक बार मगध में खाद्य संकट खड़ा हो गया तो अन्न का उत्पादन भी कम रहा। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और संकट भीषण हो जाएगा। तो सम्राट ने अपनी राज्यसभा में पूछा कि देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है।
मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, आलू इत्यादि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है, तब वे प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप ना हो। ऐसे में कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों ना अंधाधुन शिकार के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मांस, इसके लिए धन खर्च भी नहीं होता और पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभी सामंतों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। सम्राट ने पूछा, प्रधानमंत्री आप चुप क्यों हैं? आपने कोई अनुमोदन नहीं किया, आपका क्या मत है? प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सत्य है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है, फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे। सामंत ने इतनी देर रात प्रधानमंत्री को अपने घर आया देख वह घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वह कांप उठा। प्रधानमंत्री ने कहा कि संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब है। राज्य वैद्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसलिए आपसे योग्य कौन होगा? इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहें ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं, बस आप अपनी इच्छा कहें। मैं कटार से आपके हृदय को चीर कर बस 2 तोला मांस निकाल लूंगा। यह सुनकर सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा कि जब जीवन ही नहीं रहेगा तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से मैं क्या करूंगा, वह बड़ी जागीर भी किस काम की रह जाएगी। वह झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया। मुद्राएं देकर उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला कि श्रीमान, मैं आपकी 1,00,000 मुद्राओं में अपनी 1,00,000 मुद्रा और मिलाता हूँ। इस पैसे से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लें, किंतु मुझे जाने दें। यह बात किसी और को ना पता चले, मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ। प्रधानमंत्री जी यह सब समझ चुके थे, वह उसे थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, सामंत आप शरीर से बलिष्ठ हैं, आपकी कद काठी भी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए राज वैद्य ने खास तौर पर आप ही का नाम लिया है। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहें तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद भी देने को तैयार हूँ और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूंगा, पर प्रजा से हमारे राजा ना छीने। सामंत तो फंसता हुआ दिख रहा था, उसने शरीर पर अंग वस्त्र रख कर अपने जूते भी पहन लिए। जैसे ही वह वहां से भागने वाला था वह तुरंत प्रधानमंत्री के पैरों में लेट गया। उसने याचना की कि प्रधानमंत्री मैं इसके योग्य नहीं हूँ, जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री पद या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूँगा। आप चाहें तो मेरा सब कुछ ले लें, पर मेरे प्राण न लें। मैं अपना ये भवन और सारा धन आपको सौंपता हूँ, रातों रात राज्य से निकल जाऊंगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही अपने घोड़े पर बैठने वाला था प्रधानमंत्री जी बोले, तुम अपने परिवार को भी पीछे छोड़े जा रहे हो। सामंत बोला, मेरे प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो कुटुंब का क्या करूंगा, जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूंगा। इतना कहकर घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ भी गया। वह अभी चलने ही वाला था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की साख पकड़ ली। वह सामंत से बोला, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही बैठो, मैं किसी और का प्रयास करता हूँ। यह कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए। प्रधानमंत्री के वहां जाने पर सामंत के अंदर कुछ जान तो आई, परंतु बेचैनी बनी रही। उसकी नींद खराब हो चुकी थी। मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुंचे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांगा, परंतु कोई भी राजी ना हुआ। सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1,00,000 और 5,00,000 मुद्राएं तक दे दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अगले ही दिन राजसभा में सभी सामंत समय से पहले ही पहुंच गए। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ हैं कि नहीं, लेकिन कोई भी किसी से भेद नहीं खोलता था। सबको राजवैद की तलाश थी, उनसे ही कुछ सूचना मिल सकती थी। प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराजा राजसभा में ना आए किसी भी सामंत को महल से बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। राजा सभा में अपनी चिरपरिचित गति में आए और अपने सिंहासन पर आकर बैठे। सभी सामंतों ने देखा कि कहीं से भी राजा उन्हें अस्वस्थ नहीं लगे। उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था, प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला था। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था।
तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए हैं और कहां से आई? प्रधानमंत्री ने कहा, 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस ना मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने यह मुद्राएं दी हैं। अब आप यह विचार कीजिए कि मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा के अनाज भंडार से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया गया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती करने का तुरंत आदेश दिया। वह 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। ऐसे साग सब्जियों की तेजी से उगी जिससे प्रजा का कल्याण भी हुआ और पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेती लहलहाने लगी। इस प्रकार राज्य से खाद्य संकट दूर हुआ। तो मित्रों, जीवन का यह मूल भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के जरिए समझाना चाहते थे कि हम यह ना भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान प्रिय होती है। अपने दिल से जानिए पराय दिल का हाल। यदि संसार के संबंधों से मुक्त करने का तर्क सही है, यदि जीव हत्या जीव को संसार बंधन से मुक्त करने का तरीका है, तो अत्याचारी द्वारा किया गया नरसंहार भी मान्य है। दोस्तों, आप इस कथा से समझ गए होंगे कि मांसाहार पुण्य है या पाप। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।